दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर मेरा जो चा यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप दिख रहा है। दूसरी चीज़ के यहाँ पर मेरा एक ग्रुप है, ज्ञानदीप माइंड पावर का कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट के अंदर स्टॉक मार्केट रिलेटेड, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर रिलेटेड सारी की सारी, जो क्या हायर है क्या लोअर है, कौन सी स्ट्राइक का कितना एटीएम चलने वाला है, कौन सी स्ट्राइक का कितना लोअर देने वाले है, पुट कितनी लॉन्ग होने वाली है, शॉर्ट कितनी लॉन्ग होने वाली है, पुट को कहाँ सेल करने वाले हैं, कॉल को कहाँ सेल करने वाले हैं, फिर सारी जो अपडेट होती है ना एजुकेशन पर्पस पूरी सिखाई जाती है और समझाई जाती है। और ये होती है मेडिटेशन से सफलता मिलती है। बिना मेडिटेशन बिना गुरु ज्ञान यहाँ पर कोई नॉलेज नहीं। अगर मार्केट आपके लॉस को खा रहा है तो समझ लो वो एक गुरु की तरह आपको निर्देश कर रहा है कि भैया तुझे गुरु करने पड़ेंगे। जिसको कहते हैं कि अध्यात्म से मार्केट का जो सफर होता है ना, जर्नी होता है, अध्यात्म से मार्केट का सफर होता है, जर्नी होता है, जिसको कहते हैं कॉरपोरेट टू मार्केट। तो कॉरपोरेट टू मार्केट का अगर मान लो सफर नहीं पता है ना, तो मैं आपको छोटी सी मेरी वीडियो ही जो पुरानी है ना वो दिखा रहा हूँ। इसी ये जो इंसान है ना, नए नए ज्वाइन हुए मेरे पास अभी, जो लुधियाना से है, और लुधियाना से मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि सर जी आप बहुत नेक काम कर रहे हो, कि लोगों को वर्क कर रहे हो कि अध्यात्म की तरफ। जो बंदे लोग हैं ना यहाँ पर, जो बंदे हैं ना यहाँ पर, यूँ सोच रहे हैं कि मार्केट में फट दे के घुसेंगे और प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, वो लोग मार्केट को अर्जुन की तरह कभी सीख नहीं पाएंगे। एकलव्य की तरह मार्केटों को सीखना मतलब चोरी छुप के मार्केटों को सीखना। अगर चोरी छुप के या फ्री में कहीं मार्केट सीख रहे हो ना, तो इतना जरूर बता दूं कि जिस तरह एकलव्य का अंगूठा कट गया था, उस तरह आपका भी डिबेट साफ हो जाएगा। ये मेरा वचन नहीं है, ये गुरु का वचन होता है। मान लो गुरु को जिसने अपना लिया वो गुरु का अंग बन जाएगा। उसका मतलब क्या होता है कि वो जो बंदा है ना वो खुद एक मसीहा फ्यूचर के अंदर बन जाएगा। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट अध्यात्म को मैंने जोड़ा हुआ है, और काफ़ी सारी कंपनियों में जो मल्टी बैगर कंपनियां होती है वहां पर जाके मेरे सेमिनार्स करता हूँ। कहने का मतलब, तो ये वीडियो की लिंक है ना आपको यहाँ से मिल जाएगी मेरे चैनल के, जो बहुत पुराना वीडियो है, यहाँ पर जाके देखोगे तो आपको काफ़ी सारी कंपनी के अंदर में जो काम किए हैं यहाँ पर वो आपको देखने मिल जाएगा। कुछ मैं आगे फॉलो करता हूँ, काका पीवीसी नाम की यहाँ पर ब्रांडेड कंपनी है जिनकी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर मैंने मेरा सेमिनार जिसको कहते हैं कि भैया अध्यात्म का जो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट होता है, तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया था, जहाँ पे उन लोगों को अपनी जो ऊर्जा थी, जैसे सकारात्मक ऊर्जा जो नीचे पड़ी है मूल चक्र के अंदर, उसको किस तरह सहस्त्र चक्र के दे जाया जाता है, वो पूरी प्रोसेस मैंने यहाँ पर कराई है। तो कहने का मतलब अगर मान लो ये नहीं ना, तो प्रॉफिट नहीं समझ लो, एक कॉर्पोरेट की क्वेरीज होती है वो जाके हम सेल करते हैं यहाँ पर। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो होता है यहाँ पर हमारा, कॉर्पोरेट का मतलब कि अध्यात्म से कॉर्पोरेट की तरफ जाना, सिर्फ मुनाफे के लिए, प्रॉफिट के लिए, प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, लॉन्च करने के लिए, मार्केटिंग के लिए आगे नहीं बढ़ना। अब आप कुछ समझोगे, तब कहने का मतलब वो कॉन्सेप्ट है हमारा। अब दूसरा मैं आपको सेशन लेके आता हूँ कल का, बराबर। तो यहाँ पर आपको कैंडल दिख ली है रेड, पहली बात तो। अब आप चौंक गए होगे कि यार हमने तो ग्रीन कैंडल देखी, हमने तो रेड कैंडल देखी ही नहीं है। मान लो हम तो ग्रीन समझते हैं तो बाइंग में एंट्री लेते हैं तो वहाँ पे ट्रैप में आ जाते हैं। फिर रेड कैंडल देख के किस तरह सी में जाना, और इधर लिखना कि शॉर्ट कवरिंग है, शॉर्ट कवरिंग आने वाली है। शॉर्ट कवरिंग का मतलब कि भैया है ना, इसका लोअर जो है ना वो 240 का लोअर है, 4 2 8 80 डिग्री की तरफ। तो मैंने कितना लिया 10%, 255 का फॉर्मूला था मेरा, जहाँ पे 5 दुनी 10 कुल के अंदर पड़ते थे 10% मुझे वहाँ पे लिखना था। 10% मेरे ग्रुप के अंदर बताया कि 10% यहाँ तक, यानी बाइंग आनी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक बाइंग आनी है, यानी मार्केट की जो लेवल है ना उसको छोड़ो, टारगेट को पकड़ो। ये जो कॉल है ना, ये 555, 569, 584 तक के टारगेट है इस कॉल के, और पुट जो है ना यहाँ पर सेल हो रही है, ये उसकी लेवल के अंदर है। अगर डाउन जोन्स लाल बना रहा है ना, तो समझ लो कि इंडिया है ना वो पुट को सेल करेगा। डाउन जोन्स अगर ग्रीन बना रहा है तो समझ लो भैया इंडिया जो है ना वो कॉल को सेल करेगा। और उसमें भी अगर क्वेरी नहीं समझ में आ रही हो, तो मेरा नंबर है ना आपको भी मिल जाने वाला है, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मिला हुआ पड़ा हुआ है, अभी भी नंबर भी आपको देने वाला हूँ। तो वहाँ आके कुछ सीखे हुए तो समझ पाओगे, पहली बात को। तो दूसरी चीज़ है कि ये यहाँ पर मैंने जैसे लाइन बनाई है, तो ये बाजार ने लाइन नहीं बनाई है, मैंने लाइन नहीं बनाई, ये मैंने लाइन बनाई है, बाजार ने लाइन नहीं बनाई है। तो आप देख लो मार्केट कहाँ जा रहा है, 255 के लोअर के करीब आया, 263 के लोअर के करीब आया, जबकि कैंडल यहाँ पे बनी थी, लाल कैंडल उड़ी। मैंने बताया शॉर्ट कवरिंग है, तो शॉर्ट कवरिंग हुआ, मार्केट कॉल की तरफ आगे बढ़ा, और 555, 569 ये पूरे टारगेट कल हिट किए थे, यानी 584 तक के टारगेट हिट किए थे। जो मेरा 248 जो यहाँ पे लिखा है, 240 लिखा है, उसका मतलब कि यहाँ पे 584 का हिट देना रिवर्स के अंदर। तो कौन सी स्ट्राइक पुट देने वाली है ना वो भी पता होना चाहिए, पहली बात तो।
जिस स्ट्राइक ने 181 का लोअर दिया था, उसी स्ट्राइक ने कल एंडिंग के अंदर 44,000 यानी 247 का यहाँ पर हाई दिया, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। यानी ऐसा करना है कि भैया दोनों माइंड का उपयोग करना है, यहाँ पे एक माइंड का उपयोग करके कोई मतलब नहीं है। ये जो योगेश गुप्ता जी ना, ये सीए है, सीए यहाँ पर, और सीए जो है ना, इनको मैंने भेजा था कि सर जी जो है ना, ये कॉल मुझे पता थी कि कॉल कहाँ पे जाने वाली है। अब देख लो ये कॉल मैं आपको बता देता हूँ, ये रही वो कॉल, जब मेरी जूम मीटिंग चलती है ना जैसे, तो ये 182 का लोअर मैंने दिया था इस फुट का, जिसका टारगेट मैंने 800 यहाँ पे लिख के रखा था और 248 का मैंने टारगेट रखा था जो हिट हुआ। अब जो है ना 241 से लेकर इसका जो डिमांड जोन है, तो डिमांड जोन का लोअर मैं आपको बता देता हूँ, 181 का जो लोअर है वही उसका डबल टॉप है और 175 का इसका दूसरा लोअर है, जहाँ पर बैंक निफ्टी आज सुबह उड़कर हाई देने वाली है। यानी जो भी बंदा 248 के बाद में 256 के लिए रुका पड़ा है ना, उसको समझ लो भैया क्या करना है, भैया एवरेज बनानी है उसको। अब वो एवरेज के अंदर ये नहीं पता होगा कि स्पॉट में एवरेज नहीं बनती है, फ्यूचर में एवरेज बनती है, तो बंदे का है ना बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। और मार्केट वहाँ तक गया तो गया, नहीं तो नहीं गया, ऐसी उसकी मर्जी की बात है, कहने का मतलब। तो इसको है ना भी मैं ओवर करता हूँ, ताकि इतने प्रूफ तो भैया बहुत हो गए कि कौन सी स्ट्राइक है, क्या नहीं है, कौन सी स्ट्रेटजी है। ये सारे प्रॉफिट जो है ना आपको, ये सीए जो है ना, सीए इनका एक दिन का प्रॉफिट जो होता है ना 25 लाख से 50 लाख होता है, लेकिन सीख रहे हैं, समझ लो सीख रहे, समझ रहे, डाइजेस्ट कर रहे, आर्बिट्रेज स्ट्रेटजी को सीख रहे कि 2% में भी 5,000 क्वांटिटी उठाना और 2% का टारगेट लगा देना, प्रॉफिट बुक करो, भागो, जिसको कहते हैं 97 से बाई और 309 पे सेल, बात खत्म, ट्रेड ओवर। ये जो मैंने टारगेट दिखाया ना छोटा सा वाला, 300 297 से बाई, 312 पे, 312 पे या 309 पे टारगेट हिट, ये टारगेट पता है कौन सा? ये आरबीटी का टारगेट है। यहाँ पर मार्केट पुट के प्रीमियम को डिके करता है और कॉल के प्रीमियम को हिट करता है। अगर ये मान लो आ गया, दिन के अंदर 50 बार 5-5% का प्रॉफिट मिलेगा, क्वांटिटी होगी बड़ी, पैसा भर भर के मिलेगा आपको। ब्रोकर तो उतनी लगनी है जितनी लगनी है, टैक्स भी उतना ही लगना है जितना लगना है, लेकिन जो एक्यूरेसी है वो म्यूचुअल फंड SIP की निकल के आएगी, जिसको कहते हैं अल्गो ट्रेडिंग की तरह ट्रेडिंग करना। और कभी लॉन्ग पोजीशन बन गई, जिस तरह से आज लॉन्ग पोजीशन बनने वाली है, जैसे आज लॉन्ग पोजीशन बनने वाली है, तो मेरा नंबर भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इस नंबर पे जाके व्हाट्सएप पे जाके सिर्फ हाई करना है। यहाँ पर सीए, यहाँ पर बैंकर्स पूछ लोगे कि जो यहाँ पर बैंक के मैनेजर तक है ना, वो भी मेरे पास से, यानी ये ज्ञानदीप माइंड पावर जो फ्री मेडिटेशन में सिखाता हूँ, वो लोग शेयर मार्केट सीखने नहीं आते, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, वो लोग आ रहे हैं सीखने के लिए मेडिटेशन के, सर जी मेडिटेशन कैसे होती है। देख लो ये गुप्ता जी ना सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर 3 बजे मुझे मैसेज कर दिया था, और 3 से 4 बजे से जगह 4:30 बजे तक है ना, मैंने इनको क्या बताया पता है? सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि मेडिटेशन की प्रोसेस कैसे करते हैं और कॉल कैसे रिसर्च करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4:44 पर ये समझना चाहते हैं और 3 बजे ये उड़ गए थे, कहने का ब्रह्म मुहूर्त में उड़कर बातचीत करना, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठकर समझ लो, समझना सीखना ये सारी है ना चीज़ें बहुत ही, यानी बोलते हैं ना कि बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। ये गुड मॉर्निंग लिखा है टुडे का GM, गुड मॉर्निंग, 3:25 सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, और ब्रह्म मुहूर्त के अंदर इनको, इनके साथ मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की, ये है वो है फलाना ढिकना जो भी कुछ है, सबको डिस्कस किया कि इस तरह से मार्केट को ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ये लोग प्लानिंग करते हैं, और ये लोग ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अगर सीखोगे तो ही आप सीख पाओगे। तो देखो नींद जो होती है ना, नींद ये 4-5 घंटे की, 6-7 घंटे की बहुत हो गई, उसके बाद में अगर कोई बंदा है ना वो लर्निंग पे ध्यान देता है ना, तो ही बंदा कमा पाता है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ अभी आपको फिन निफ्टी के चार्ट पे लेके आता हूँ, बराबर फिन निफ्टी के बारे में बताता हूँ, बिकॉज कि फिन निफ्टी की है ना आज एक्सपायरी है पहली बात, और फिन निफ्टी का ऑप्शन लेके आता हूँ और फिन निफ्टी का चार्ट भी मैं लेके आता हूँ, लेकिन फिन निफ्टी के चार्ट को जाने की जरूरत नहीं है, आप खाली फिन निफ्टी का फ्यूचर को देख लो पहले। तो यहाँ पे क्या होने वाला, तो अभी ऑप्शन चार्ट है फिन निफ्टी का। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी है ना स्ट्राइक जो है ना, स्ट्राइक यानी एक्सपायरी है ना, वो कभी भी स्पॉट क्रिएट ना करे, स्पॉट में आपको बहुत बड़ा धोखा होगा। यहाँ पे 31 अगस्त को फॉलो करें पहली बात, तो फिर निफ्टी के अंदर तो यहाँ पे आप आए, जैसे आपने स्ट्राइक देख ली सारी की सारी 19,400 कौन सा है, यहाँ पर देख लेते फिर से हम लोग ऑप्शन चेन कौन सा चल रहा है वो देख लेते, निफ्टी चल रहा है यहाँ पे, तो निफ्टी को देखना नहीं है हमें, क्या करना है फिर निफ्टी को देखना है। तो मैंने यहाँ क्या किया, ऑप्शन में गया और फिर निफ्टी को देखना चाहता हूँ, लेकिन ऑप्शन ही आ रहा है बार बार सामने, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं फिर निफ्टी, बराबर। तो फिन निफ्टी जो है ना, यहाँ पर मैंने निफ्टी फाइनेंशियल मैंने यहाँ पर किया, अब जाके देख लो उसके अंदर ऑप्शन चेन में गया,
ऑप्शन चेन में जाने के बाद में जो 22 तारीख का डेटा है उसको छोड़ा, 29 के डेटा की तरफ आया, बराबर। अब आता है खेल शुरू। अब जो होता है ना, ये देख लो, इसके लोअर पता होना चाहिए। 108 का प्रीमियम चल रहा है 19,650 का। अगर मान लो 108 से वो ब्रेकआउट देता है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट पता है कितनी है? 112 और 114 की लिमिट है इसकी, ज़्यादा लिमिट नहीं है इसकी। 112 114 की लिमिट है, 114 के बाद में रिवर्स होता है और ये होता है 97 का लोअर और 91 का लोअर होता है इसका। इसका मतलब कि 114 से लेकर है ना 19,650 पर ना आपको सी में मल्टीपल करना है, और कहीं आपका लॉस चल रहा है पुट के अंदर तो पुट को क्लोज करके 91 के लोअर तक आपको 3 बार रिट्रेस करेगा ये ऊपर की तरफ में, 3 बार। वहाँ पे इसको कमाने ने 19,650 में पुट सेल होने वाली है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो कॉल की तरफ में समझ लिया। अब आप देख लो 19,700 जो है ना 181, 19,700 जो है ना 182 यहाँ पे प्रीमियम चल रहा है, जो बिल्कुल सपोर्ट पल चल रहा है। यानी इसका मतलब है कि यहाँ से भैया जो है ना रिवर्स में 175 की असल खाने वाला है। टारगेट जो देने वाला है यहाँ पे 192 का टारगेट देने वाला है, 197 का टारगेट देने वाला है, 212 का टारगेट देने वाला है ये वाला भी। लेकिन क्या करेंगे, प्रीमियम को डीके करेंगे पहले, ये फ्यूचर के सारे प्रीमियम को खरीद लेंगे ये लोग। सारे प्रीमियम को खरीदने के बाद में ये प्रीमियम की एवरेज करके इसको वापस नीचे ले जाएंगे। यानी इसका प्रीमियम कितना चल रहा है, 106, तो इसका हाई कितना, वापस मैंने बोला पुट का हाई कितना, तो पुट का हाई 114, बराबर। 114 के बाद में आपको उसमें ज़्यादा लॉन्ग नहीं लेना है, 122 168 का हाई होता है, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग नहीं लेना है वहाँ पे, आपको प्रॉफिट क्लियर निकलनी। बिकॉज 106 का मतलब कि भैया सपोर्ट रिटेस्ट हो गया 19,500 का। 91, 92, 96 की तीन एसएल होती है 19,550 की। ये एसएलिट करने के बाद में डब्ल्यू पैटर्न बनती है, डब्ल्यू पैटर्न के बाद में यहाँ पे बाइंग आती है, तो इसका लोअर आना शुरू हो जाता है। 19,550 की जो पुट है ना, पुट इसका जो लोअर है ना, लोअर ये 96 का लोअर है और 92 का और 91 का लोअर है, ट्रिपल बॉटम ब्रेकआउट की तरफ 3 बार। उसका मतलब कि यहाँ से आपको बाइंग मिलेगी इस प्रीमियम के बाद में, लेकिन एसएल 2 बार 3 बार हिट करने के बाद में, वरना 3 बार के एसएल हिट हुई ना तो आपको ये लगेगा भैया मेरा प्रीमियम अगर एसएल में जा रहा है तो मुझे हाई कब मिलेगा। तो देखो मैंने एक चीज़ पहले मेरे ग्रुप के अंदर बताई, अगर एसएल लगाओगे तो एसएल हिट होगी, टारगेट लगाओगे तो टारगेट। अगर मान लो आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, समझ नहीं है, तो आप क्या करो, वहाँ से 97 में बाई करो और 97 से 105 पे आप सेल कर दो, बात खत्म करो, ट्रेडिंग ओवर कर दो। वहाँ पे काफ़ी सारी क्वांटिटी आरबीटी की तरह होती है, इंस्टीट्यूशन करते हैं उस तरह से आप ट्रेड करो। अगर 81 को आपको हाथ में आ गया तो बल्ले 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 हो गई आपकी, समझ लो। 81 में हाथ में आ गया तो 96 आपका ऐसे होगा स्ट्राइक का 19,500 का, और टारगेट जो होगा ना आपका 112, 124, 145, 148, 162, किसका पता है, पुट का नहीं, इसका यहाँ पे पड़ी है उसका। मैं हाथ यहाँ पे रख रहा हूँ लेकिन बता यहाँ पे रहा हूँ कि बी को कॉल उड़ने वाली है, बिकॉज कि ये कुल जैसे डीके, ये कॉल जैसे डीके होती है ना 91 को 96 को दो देती है ना, उसके बाद में कॉल के अंदर पावर आता है 96 की 2 बार रिसीव करने के बाद में, और 91 को वापस 1 बार जाने के बाद में कॉल के अंदर पावर आ जाएगा। तो ये कॉल सीधी आपको 124 145 की तरह जाते हुए देखने मिलेगी। 135 का तो इसका रजिस्ट्रेशन से भाई साहब मेरे, और 91 के लोअर से 122 तक इसका पिवोट है, यानी 108 पे चल रही है। प्रीमियम डिके करना जरूरी है पहले तो, और प्रीमियम डिके करने के बाद में क्या करते हैं, स्ट्राइक को सरका देते हैं लोग, नीचे की तरफ ले जाते हैं। तो 19,500 की वहां पर अगर मान लो कॉल ले रहे हो जो 192 पे भी चल रही है, जिसका लोअर ही 139 है, 19,450 का लोअर जो है ना 139, और हावर हायर जो है ना 222 रुपये इसका हायर, 220 रुपये इसका है, डबल टॉप है। डबल टॉप के बाद में 220 के बाद में ये कॉल जो है ना मरती जाती है, मरती जाती है, मरती जाती है, और 12 बजे तक ये कॉल मरती है, यानी 130 लोअर पे आ जाती है। 139 के लोअर पे आने के बाद में ये जो प्रीमियम है ना 192 वाला, 192 वाला प्रीमियम चला जाता है 200 रुपया सीधा 130 डिग्री से, यानी 70 रुपये की मूवमेंट आती है। यानी 12 बजे के बाद में अगर मान लो आप मूवमेंट रहते हो तो आपको अच्छी खासी प्रॉफिट कॉल के अंदर मिलने वाली है, फिन निफ्टी के अंदर। आशा करता हूँ इतनी चीज़ें अगर मान लो समझ गए। मैंने आपको यहाँ पे कर्सर ला के दिखाया 19,500 की कॉल कहाँ पे आने वाली है, 192 का टारगेट 222, डबल टॉप ब्रेकआउट, और उसके बाद में लोअर जो होता है 224 के बाद में, 232 के बाद में लोअर जो होता है वो लोअर होता है 130 रुपया, 130, 139, 145 जो है ना इसकी डिमांड जोन होती है, यहाँ तक सप्लाई होती रहेगी, सप्लाई होती रहेगी, सप्लाई होती रहेगी, बाद में मार्केट उड़ाएंगे तो ये मार्केट को जो है ना ऊपर उड़ा के ले जाएगी। यानी टोटली इसका ब्रेकआउट जो होता है 200 का, यानी प्रीमियम सरकाते जाना आउट द मनी के और फ्यूचर की एक्सपायरी के,
उसके बाद में नीचे की एटीएम को उठाकर ऊपर की तरह, यानी एटीएम सरक रहा है और प्राइस सरक रही है और प्राइस ऊपर जा रही है। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी जो होती थी, जिसको कहते हैं चक दे इंडिया के अंदर, आपने चक दे इंडिया पिक्चर देखी होगी, और पिक्चर के अंदर जो जो कैरेक्टर हीरो है जिसको लिया, शाहरुख खान जी को लिया, तो बिंदिया नाम की जो कैरेक्टर है वहाँ पर, वो बिंदिया नाम की कैरेक्टर जो स्ट्रेटेजी यूज़ करती है, तो वही स्ट्रेटेजी आपको इसमें यूज़ करनी है। बस उसके पीछे पीछे जाओ, उसके पीछे पीछे आओ, उसके पीछे पीछे जाओ। कोरिया नाम की जो देश था, वो कोरिया नाम का देश था ना, उसके सारे प्लेयर जो ना स्ट्रेटेजी को फॉलो करते थे कि जहाँ जहाँ पे इंडियन प्लेयर, जहाँ जहाँ पे दूसरे लोग, वहाँ वहाँ पे उसकी पूछे पूरी टीम, यानी मौका नहीं देती थी, दिमाग हैक करती थी यहाँ पर। तो ये जो है ना, ये पुट सेल कॉल सेल जो होती है ना, ये इसी तरह होती है। तो सीखना जरूरी है दोस्तों मेरे, अगर सीख कर काम किया तो पैसा है, और अगर मान लो सीखना है तो मेरा नंबर है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर गुरु जो है ना, उसको पहले मानना है, मुझे नहीं मानना। गुरु को मान लिया, परमात्मा को मान लिया, परमात्मा का अंग बन गए, सेवा दान धर्म कुछ भी किया आपने, आराम से आओ और मन को मुक्ति देकर आओ। यहाँ पर मन को बांध कर मत आना, काफ़ी सारे सवाल लेकर मत आना, बिकॉज के सारे सवाल के जवाब हमारे भीतर जो शिव बैठा ना, उसी के पास पड़े। फिर सवाल पूछ के अंधेरे में जाने की जरूरत क्या है? अगर सवाल पूछ पूछ कर रहे हो और सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, और लॉस इतना सारा खाया है, और ऊपर से कोस रहे हो लॉस को, तो वो लॉस को जो कोस रहे हो ना, कभी प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं होगा आपका। कोई भी गुरु गुरु है ना मार्केट का आएगा ना, आपके लॉस को कवर करने की ताकत उसके अंदर नहीं है, जब तक आपके भीतर के गुरु को आप नहीं जगा रहे। यानी इतना समझ लो, अगर लॉस को कोस रहे हो, अगर मान लो किसी को ये टॉन्ट मार रहे हो कि मेरा लॉस कब कवर होगा, किसी से सीख रहे हो, तो ये सब चीज़ें, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी थी, वो आपका कर्तव्य था कि उस टाइम पे आप किसी गुरु के सहारे में आते। आशा करता हूँ गुरु का महत्व समझे, ध्यान करें, धारणा करें, समाधि करें, अपने लक्ष्य तक जरूर बुझाओगे। मेरी आशा है, उम्मीद है कि आप लोग अपने लक्ष्य तक जरूर पहुँचोगे। थैंक यू, इतना शुक्रिया पर। जय हिंद भारत। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। शेयर करोगे तभी जाके आप शेयर बनोगे। अगर शेयर नहीं किया ना, मान लो लाइक नहीं किया और कॉमेंट नहीं किया ना, कभी लाइफ के अंदर आपके अगर चैनल बन गए ना, कितने सारे मास्टरमाइंड बन गए, आपकी चैनल को पुशअप करने वाला कोई नहीं होगा, आपको लाइक करने वाला कोई नहीं होगा। खुद को बनाने के लिए ना किसी को बनाना पड़ता है पहले, और खुद को बनाने के लिए खुद को पहले बनाना पड़ता है, उसके बाद में आप दूसरे को बनाने निकलो। कि वहाँ पर किसी का लॉस अगर होता है तो उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट निकलो, या कोई सेवा करो, या कोई दान करो, या धर्म करो। ये सारी चीज़ें होती है ना खुद को बनाने के बाद आती है। मैंने रजनी जोशी जी की एक कैसेट सुनी थी, उसमें उन्होंने कहा था जो इंसान भटकता है ना, वो कभी भटकता नहीं है, वो एक मंजिल तक जाता है। और यहाँ पर आप मेरी चैनल पे आइए और देखिए कि मेरे जो अतीत है, अतीत अतीत का मतलब कि पहले मैं क्या करता था। तो मैंने टीवी में कुकिंग शो किए, बराबर, बहुत सारे कुकिंग शो किए, यहाँ तक कि रसोई अच्छी अच्छी बनाई है, नई नई यूनिक रसोइयाँ बनाई है, यहाँ तक कि स्कूलों के अंदर जाके मैंने और काफ़ी सारे लोगों का एनर्जी है यहाँ पर, मतलब कि भैया है ना बाहुबली में सीन शूट का, वो मैंने यहाँ जो मैडम काफ़ी सारे प्रोग्राम्स मैंने यहाँ देखे। तो उस प्रोग्राम्स को आप देखें पहले, अतीत में जाके देखें कि ज्ञान दीप माइंड पावर जो है ना, स्टॉक मार्केट नहीं सिखा रहा है, आपका ब्रेन जो है ना वो डेवलप कैसे करना वो सिखा रहा है। कि आपके ब्रेन को काफ़ी सारी एक्टिविटीज पसंद है, लेकिन आप वक्त नहीं निकालते, इस झमेले में फंस गए हो, नौकरी करना, घर चलाना, टाइम नहीं है, ये नहीं है, प्रेशर में आना, अगर ये सब है ना, इस सारे सवाल के जवाब है ना, आपको शिव कभी दे नहीं पाएंगे। आपको शिव का अगर साथ चाहिए तो शिव के करीब जाने के लिए शून्य होना पड़ेगा, शून्य होने के लिए आपको समाधि लेनी पड़ेगी, आपको ध्यान धारणा समाधि जो है ना, उस तीन सम का आपको सहारा लेना पड़ेगा। वो सीखना चाहते हो तो मेरे गुरु जो है वो आपको सिखाएंगे, मैं उनकी कैसेट आपको भेज दूंगा, मैं ध्यान कैसे लगाते हो कैसे, उसकी प्रोसेस पूरी सिखा दूंगा आपको मैं। आशा करता हूँ, अब मेरी वीडियो को और वाणी को विराम देता हूँ। अच्छा कुछ भी लगा हो ना तो मेरे गुरु को समर्पित, बुरा कुछ भी लगा ना तो मुझे कोस देना। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।